हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए। आपने फॉर्म भर दिए होंगे, नई बार आए तो भर दीजिए। और आप सेफ जोन के बारे में मैं जरूर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको मेन चीज़ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी लोग पीसीएम से हैं उनको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रेलवे का एग्जाम, जिन लोगों ने ज़्यादा नहीं भरा है उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। तो मैं आपको इसके बारे में बता देने वाला हूँ, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है और किस हिसाब से कार्य करता है, और आप इसमें अपनी एक सीट कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, या बीटेक वाले हो या पीसीएम वाले हो या डिप्लोमा वाले हो या आईटीआई वाले हो। तो चलिए देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें क्या है, केवल CVT 1 ही होने वाला है। इसमें CVT ही एग्जाम एक होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ले जाने होते हैं, उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, और मेडिकल का भी अलग से, क्योंकि फिर वीडियो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इसका सिलेबस, इसकी एलिजिबिलिटी। ये आपको पता ही होगा, एलिजिबिलिटी देखकर ही आप ग्रेड 1 है जो, उसमें आप जानते हैं कि बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, आईटीआई वाले कुछ जो फॉर्म भरते हैं, और ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है जिसमें 8,552 वैकेंसी है, उसमें +2 या आईटीआई प्लस एनसीबीटी वाला जो होता है वो सब भरते हैं। तो ये ग्रेड 3 वाला जो है वो +2 वालों के लिए है। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें दोस्तों आपसे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इसमें 100 क्वेश्चन आपसे, माफ कीजिएगा, पूछे जाएंगे, 90 मिनट में आपसे पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का समय 100 क्वेश्चन में। और ये एनअप होता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप अगर प्रैक्टिस में है तो ये आपके लिए समय अच्छा है। आपको क्या है, अच्छे से पढ़ते रहना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अभी तैयारी शुरू करना के हैं या कर रहे हैं, तो आपको रेलवे के, देखिए SSC की तैयारी करते हैं +2 वाले या बीटेक वाले, कुछ और टेक्निकल करते हैं, तो देखिए रेलवे एग्जाम थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग आपको लगाने की जरूरत रहती है, वो आज मैं आपसे शेयर करना कर बता दूंगा कैसे करते हैं। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है 1/3 की, जैसे कि आप 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक भी गलत हो जाएगा, ये सब जानते हैं। और देखिए, चौथा पॉइंट है, इसको आप भूल जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, 40% है। देखिए, इसमें कट ऑफ बनती है, और कट ऑफ भी +2 वाली हाई जाती है, लेकिन इस बार वैकेंसी अच्छी अमाउंट में देखने को मिली है, तो आपको इसमें थोड़ा लाभ हो सकता है। आपको क्या है, बस पढ़ते रहना है। ग्रेड 1 की जो आप देखिए सिलेबस, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है, जो कि आप बीटेक डिग्री वालों के लिए या डिप्लोमा वालों के लिए है, उसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसका ये सिलेबस दिया गया है। उसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा, ग्रेड 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल इंटेलिजेंस आपसे पूछा जाएगा, जिसमें रीजनिंग का ये डिटेल सिलेबस, और ये हर रेलवे के एग्जाम में सेम सिलेबस रहता है, वही सिलेबस है, इसमें आपको घबराना नहीं है। इसमें बस ये एक चीज़ जुड़ गया है, वो है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ये सब आप कहाँ से पढ़ सकते हैं देखिए, इसका भी मैं आपको बता दूंगा पूरा। पहले सिलेबस मैं आपको पूरा बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात की जाए तो देखिए, मैथमेटिक्स की जो नंबर सिस्टम और ये सारे क्वेश्चंस जो सेम रेलवे सिलेबस पूछा जाता है, सेम वही क्वेश्चंस आपसे, वही सिलेबस है इसमें। बस आपको बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये वाला बड़ा है, और इसको आपको पढ़ना कहाँ से है मैं तुरंत आपको बताता चलता हूँ। तो देखिए, इसको आप CCC की कोई भी बुक लेंगे जो आप पढ़ने के लिए करते हैं, CCC की, उसमें ये सेम सिलेबस ये वाला आप अगर आप मिलाएंगे तो सेम सिलेबस उसमें है। तो आप जो भी CCC की कोई भी बुक लेके आ सकते हैं, या बेसिक कंप्यूटर की बुक लाइए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में मत चले जाइए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर से इसमें पूछे जाने हैं। और मैथ, मैथ की देखिए बुक्स के बारे में बता दूं, आप सब पढ़ते हैं, और SD यादव है, और आपकी किरण है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। और मैथ में भी इसमें देखिए अर्थमेटिक ज़्यादा होता है, टिग्नोमेट्री के और एडवांस के भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन कम होते हैं। अर्थमेटिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, उसके बाद आपको एडवांस पर जाना है। और देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्रेड 1 में ये और आपको देखने को मिलता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि टेक्निकल वाला है तो इसमें ये भी पूछा जाता है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये वही सेम सिलेबस है जो कि आपसे पूछा गया था, ALP CVT 2 में पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और सिलेबस बढ़ा दिया है, जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला सिलेबस। देखिए, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये पूरा मतलब इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल है, वो आपको इसमें भी पढ़ना होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आ गया है, तो आपको इसमें भी पढ़ना होगा, ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ तक जो सिलेबस है आपका इलेक्ट्रिसिटी तक, ये आपका ALP CVT 2 में पूछा जाता है। इसमें बस वही इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ के इसमें बेसिक इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स होता है, वो आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको ये सब देख लेना है। उसके बाद देखिए, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए ग्रेड 1 के लिए,
तो इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 10 नंबर रीजनिंग, 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, 20 मैथ के। ये बहुत बड़ा एम क्वांटिटी लेके चल रहा है कंप्यूटर, और एक आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन दोनों को आपको अच्छे से कवर करना होगा, और इसको कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए बेसिक साइंस के लिए आप, अगर आपके पास बेसिक साइंस वाली ALP की बुक है CVT 2 के लिए, उससे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक बुक और आपको लेनी होगी, वो होगी बेसिक इलेक्ट्रिकल की, उससे पढ़ना होगा। दो बुक आपको इसके लिए लेनी होगी, और जो ALP वाले में इंजीनियरिंग वाला पोर्शन छोड़ के बेसिक साइंस वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वही लेवल इसका रहने वाला है। मैं आपको बता दूँ, पिछली बार हम लोगों ने जो एग्जाम दिया था वही। अब ग्रेड 3 की बात की जाए, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इसमें जो कि आप जानते हैं कि प्लस 2 वालों के लिए, या 10th+ ITI जो किए हुए हैं उनके लिए है। इसमें भी वही आपको देखिए, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको भी हल करने हैं, नेगेटिव मार्किंग आपको भी है, और नॉर्मलाइजेशन हर बार होता है, इस बार भी होगा रेलवे एग्जाम में। और नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है कि कई सारे शिफ्ट को ईजी टफ आ जाती है, उसको नॉर्मल करने के लिए। और देखिए इसमें भी मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस की बात की जाए ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए, तो मैथमेटिक्स का ये डिटेल सिलेबस आप इसको कर सकते हैं, और ये पूरा अर्थमेटिक है। देखिए इसमें अर्थमेटिक आपको पूरा पढ़ना है, और थोड़ा सा देखिए एडवांस भी इसमें दे दिया है, और यही चुनिंदा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा अलग नहीं करना है। इसमें कुछ टॉपिक नहीं दिए हैं, 3D मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पूरा दे दिया है, वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात की जाए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें देखिए रीजनिंग में आपको एक चीज पे ध्यान देना है, जो प्लस 2 वाले हैं रेलवे एग्जाम में कथन निष्कर्ष कॉन्क्लूजन ये सब आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तर्क वितर्क इन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना है, आर्गुमेंट स्टेटमेंट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। और उसके बाद में देखिए बात की जाए जनरल अवेयरनेस, तो आप सब जानते ही हैं स्पोर्ट्स साइंस में पर्सनैलिटी, फेमस बुक्स, ऑथर, ये सब आपको पढ़ लेना है, ये सब है। और इसके भी नंबर की बात की जाए 25 नंबर का इसमें मैथ आ रहा है, 25 नंबर की रीजनिंग, और 40 नंबर की साइंस आ रही है इसमें। अब साइंस में भी बात की जाए, देखिए साइंस कौन सी आ रही है, वही बायोलॉजी आपकी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, और आपकी ये फिजिक्स हो गई। तो देखिए बायोलॉजी भी आपको बराबर पढ़नी होगी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। पिछली बार क्या हुआ था, जो टेक्नीशियन या ALP का एग्जाम था, तो उसमें केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से भर भर के क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में अलग अलग आपको देखने को मिल रहा था। और देखिए ये जो सिलेबस है ना, ये बेसिक सिलेबस है CVT 1 का, रेलवे का। आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें सबसे पहले यही पूछा जाता है, चाहे आप NTPC दीजिए, चाहे आप ALP दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपसे ये सिलेबस आपसे बेसिक पूछा जाता है। आपको बस इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब अगर आप प्लस 2 वाले हैं, आपको देखिए रेलवे एग्जाम के लिए जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ना होगा, एक जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, इसमें भी आपको मेहनत करना है, लेकिन ज़्यादा मेहनत उस हिसाब से नहीं करना है कि आप पूरा इसी में दिन रात लगे। आपको क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी कमजोरी को पकड़ना है। जैसे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैथ का एक भी नहीं। ये 50 नंबर में से कम 48 से 49 नंबर आपको इसी में से लाने हैं, प्रैक्टिस। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। उसके बाद आपको साइंस को पढ़ लेना है। अब देखिए साइंस के लिए आपको मैं आप बेस्ट बुक बता देता हूँ कौन सी होने वाली है ग्रेड 3 वालों के लिए। आप SK झा की बुक या ज्ञान विज्ञान की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। इससे पढ़ेंगे तो आपका ये जो साइंस का पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे पे बेस्ट वो सारी बुक है, तो ये आप बुक्स वाला जो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैथ, देखिए मैथ किरण का ले सकते हैं या SD यादव का मैथ। रेलवे के लिए SD यादव के मैथ में मैं पिछली बार एग्जाम दिया था, बहुत क्वेश्चन उसी में से डायरेक्ट आए थे। जनरल इंटेलिजेंस कोई भी बुक लेना है, इसमें क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसमें आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जनरल अवेयरनेस आपको कोई भी घटना चक्र या कोई भी बुक ले लेनी है, और प्लस आपको यूट्यूब या आप पेड बैच जो भी लेंगे वहाँ से लेक्चर से रेगुलर रह के पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं, और ये दोनों के लिए है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब हम बाद में बात करते रहेंगे इसके बारे में। दोस्तों आपको क्या करना है, इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेना है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। आप अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपका जॉब ज़्यादा दूर नहीं है, और ये जो ग्रेड 3 वाली जो पोस्ट है, जो प्लस 2 वालों के लिए, उनके लिए रेलवे में जॉब लेने का इससे सुनहरा मौका कुछ हो नहीं सकता। तो आप भी टेक्नीशियन बन सकते हैं, और इसमें आपको अच्छा ऊंचाइयों पर जाने का और भारतीय रेलवे के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। तो अपना साकार सपना साकार कीजिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो थैंक यू, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।